नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल RSY सेफ्टी में। दोस्तों अपन आज की वीडियो में जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं और कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कौन सी आग पर किया जाता है या कौन सी क्लास पर कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बाद आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, नंबर 3 आता है ड्राई केमिकल पाउडर और नंबर 4 आता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर और नंबर 5 आता है वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये 5 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। अपन प्रत्येक फायर एक्सटिंग्विशर का विवरण जानेंगे कि कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कौन सी फायर पर किया जाता है और वो भी कलर कोड्स के साथ, जिससे कि अपन कहीं पर सिलेंडर रखा हो तो उसके कलर से अपन पहचान सकते हैं कि कोई कौन सी क्लास का सिलेंडर है और कौन सी क्लास पर इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रत्येक का कलर कोड इस चीज़ में अपन जानेंगे। सबसे पहले आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस एक्सटिंग्विशर का उपयोग अपन एक क्लास की फायर पर करते हैं। एक क्लास में आती है सॉलिड फायर, जैसे कि लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा इत्यादि। इस में आग लगती है तो अपन वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की कलर कोड की बात करें तो इसका कलर कोड रेड होता है। इसके बाद आता है अपना फोम फायर एक्सटिंग्विशर। इस फोम फायर एक्सटिंग्विशर को बी क्लास की फायर यानी कि तरली फायर, पेट्रोल, तेल, वार्निश, तारकोल, केरोसिन इत्यादि फायर पर इस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। इसमें फोम फायर एक्सटिंग्विशर की कलर कोड की बात करी जाए तो इसका कलर क्रीम कलर का होता है। इसके बाद अपना तीसरा सिलेंडर आता है, वो है ड्राई केमिकल पाउडर। इसका उपयोग अपना सी क्लास की फायर पर किया जाता है। सी क्लास की फायर में आती है गैसीय फायर, जैसे कि LPG, PNG, ब्यूटेन, क्लोरीन, हेक्सा इत्यादि। इस पर ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग अपने डी क्लास की फायर पर भी किया जाता है। डी क्लास की फायर आती है मेटल फायर, जिसमें कि जिंक, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि धातुएं आती है। इन धातुओं पर अपन ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें CO2 का भी उपयोग कर सकते हैं। इस सिलेंडर की कलर कोड की बात करें तो इसका कलर कोड ब्लू होता है। इसके बाद आता है अपना चौथा सिलेंडर CO2 एक्सटिंग्विशर। इस CO2 एक्सटिंग्विशर का उपयोग ई क्लास की फायर पर किया जाता है। ई क्लास में फायर आती है बिजली की, इलेक्ट्रिकल फायर, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, पैनल इत्यादि। इन पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। इसकी कलर कोड की बात करें तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड ब्लैक होता है। इसके बाद आती है अपना वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस एक्सटिंग्विशर का उपयोग किचन फायर के लिए किया जाता है। इसका कलर कोड की बात करें तो इसका कलर कोड येलो होता है। तो ये थी अपनी 5 सिलेंडरों की संपूर्ण जानकारी कि कौन से सिलेंडर को कौन सी क्लास में उपयोग किया जाता है। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।